हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस। यानी कि हमारी स्टडी में ये बताने की कोशिश की गई है कि हम ऑडिट को कैसे परफॉर्म करेंगे। बेसिकली एक समरी बनाने की कोशिश की है, बेसिकली किस तरीके से हम स्ट्रेटजी प्लान आउट करेंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी किस तरह प्लान आउट करेंगे, फेजेस क्या होंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के, प्लानिंग कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का कैसे यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, फॉलोअप्स, इन सब चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस में एक विंडो देने की कोशिश की गई, फील देने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में, और इन्फॉर्मेशन ऑडिट सिस्टम ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में हमारी स्टडी ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, कई लोग ये सोचते हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्यों कर रहे हैं, ये कोर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स क्यों दिया जा रहा है, ये तो टेक्निकल ऑडिट है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स को करना चाहिए। मतलब नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इस तरह के प्रोफेशनल ये क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली रीज़न क्या है कि रीज़न एक सिंपल है, एक एसेट जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एसेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अचानक, और चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और उसके पीछे एक सिस्टम क्रिएट हो गया है, तो एक स्पेशलाइज्ड तरीके का ऑडिट क्रिएट करना पड़ रहा है। तो जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उस वहीं से एक उनकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच पैदा हो रही है, और उस ब्रांच में ये इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल नॉलेज हो। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको टेक्निकल नॉलेज हो, और टेक्निकल नॉलेज इंटरनल कंट्रोल की एडुकेसी को इवेल्युएट करने की टेक्निकल नॉलेज हो, मतलब सॉरी उनको आईटी की टेक्निकल नॉलेज हो, और साथ ही साथ जो है ट्रेडिशनल नॉलेज भी हो। ट्रेडिशनल नॉलेज में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्या करता है, वो इंटरनल कंट्रोल के एडुकेसी देखता है, दूसरी बात वो बिजनेस कंट्रोल्स देखता है बिजनेस प्रोसेसेस में, ये प्रोसेसेस फुल्ली कंप्यूटराइज हो सकती हैं, पार्टली कंप्यूटराइज हो सकती हैं। तो बेसिकली इंटरनल सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो, बिजनेस कंट्रोल्स को समझने में एक्सपर्टीज हो, इंटरनल कंट्रोल्स को समझने में एक्सपर्टीज हो, साथ ही साथ उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नॉलेज हो, तो वो सूटेबल प्रोफेशनल होंगे, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स कर सकेंगे। अगर मान लीजिए सपोज एक आपके पास आईटी का बंदा आ गया, वो ऑडिट नहीं करेगा, उसको कंट्रोल्स के बारे में उतना नहीं पता होगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया के कंट्रोल्स के बारे में उसको जानकारी होगी, लेकिन बिजनेस कंट्रोल्स के बारे में उसे पूरा पता नहीं होगा। तो इन जैसे क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह से इंटरनल कंट्रोल देखना है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, मैनेजमेंट की हायरकीज क्या होती हैं, पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट करती हैं, प्रोसीजर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, बाहर के स्टैंडर्ड्स अगर आप अडॉप्ट करोगे तो उनको कैसे डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है, उनको कैसे डॉक्यूमेंट करोगे, और बिजनेस की जो बिजनेस की नीटी ग्रिटी हैं वो एक आईटी के प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। आईपी का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा बेटर समझ लेगा, वो ये समझ लेगा कि किसी मशीन कैसे चलती है, लेकिन उस मशीन को कमर्शियली कैसे बेचा जाएगा, उसको बनाने में कौन कौन से कंट्रोल्स होंगे, उसकी कैसे कॉस्टिंग की जाएगी, उसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे अफेक्ट किया जाएगा उसको, और कि कौन सी चीज़ ज़्यादा, कौन से एसेट्स ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, कौन से एसेट्स कम वैल्यूएबल हैं, कहाँ कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, मैनुअल कंट्रोल्स कितने हैं, और मैनुअल कंट्रोल्स के साथ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स किस लेवल तक आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो बस केवल एक फ़र्क हो गया कि एक एसेट, एक स्पेसिफिक एसेट पैदा हो गया जिसका नाम इंफॉर्मेशन एसेट है, और ये इंफॉर्मेशन एसेट जो है पहले नॉर्मल एसेट्स होते थे, अब ये इंटेंजिबल एसेट जिसे हम इंफॉर्मेशन एसेट है वो बढ़ता चला गया। पहले तो क्या है कि एक इंटेंजिबल एसेट्स पैदा हुए छोटे मोटे, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे होने लगे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले या 100 साल पहले ज़्यादा होने लगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में
उनको इंटेंजिबल एसेट्स करके दिखाई दिया जाने लगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि नीचे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी, और अचानक देखते ही देखते क्या हुआ, एक नया एसेट पैदा हो गया, इंफॉर्मेशन एसेट, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो गई, बाकी नीचे की चीज़ें ऑटोमेट होती चली गई। तो ये एक नया एसेट पैदा हुआ, और इस एसेट को ऑडिट करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जहाँ पर ह्यूमन बीइंग, जो ऑटोमेशन है, जो प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, जो मतलब सिस्टम्स ऑटोमेट हो गए, उसमें पर्टिकुलर कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर देखेगा। तो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई एक ऑडिट की, और बेसिकली इसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल नहीं, जनरली नहीं करते हैं, जनरली वो आदमी करते हैं जो बिज़नेस को समझते हैं और इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हैं, और जो ऑडिटिंग क्या होती है वो उसको समझते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं, और साथ ही साथ में उनके पास एक और एक्सपर्टीज़ हो जाती है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का ऑडिट है। तो एक एक्सपर्टीज़ ये हो जाती है कि उन्हें आईटी के बारे में नॉलेज हो जाती है, एक बेसिक मिनिमम आईटी के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पर बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है वो डोमेन स्पेशलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं उनसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उसको किसी चीज़ की वैल्यूएशन करानी है, अगर वैल्यू समझ में नहीं आ रही, वैल्यूएशन करानी है, तो वो एक्सपर्ट्स ले लेते हैं, एक्चुअरी को बुला लेते हैं, एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, या वैल्यूअर्स को बुला लेते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यूअर का हमारे वहाँ कोर्स है। तो बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारी स्टडी समराइज़ करती है और कहती है कि सीएस जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनके स्किल्स सूटेड है, बस इतना है कि आईटी की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को नैरो प्रस्पेक्टिव से नहीं देखना चाहिए हमें, एक क्या कहते हैं कि ये नहीं देखना चाहिए कि ये ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स का ऑडिट है, बल्कि इसमें नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस भी आएंगी और इंटरफेसेस भी आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो दोनों चीज़ें आएंगी। तो आपको ऑडिट एनवायरनमेंट डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसमें लेवल ऑफ ऑटोमेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा, कम ऑटोमेशन है, ज़्यादा ऑटोमेशन है, उसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप्स होंगे। और ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन के सेम ही होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लानी है और एसेट्स को सेफ गार्ड करना है। स्कोप ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्कोप क्रिस्टलाइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिफरेंट स्कोप्स हो सकते हैं, और आप सारी बिजनेस प्रोसेसेस का ऑडिट कर सकते हैं। और जब आप सारी बिजनेस प्रोसेसेस का ऑडिट करोगे तो कुछ प्रोसेसेस फुल्ली ऑटोमेटेड होंगी, कुछ और प्रोसेसेस पार्टली ऑटोमेटेड होंगी, और सबका आप ऑडिट कर रहे होगे, तो आपको मैनुअल ऑडिटिंग मेथड्स, जो पुरानी ऑडिटिंग मेथड्स हैं, वो भी लगानी पड़ेंगी, और स्पेसिफाइड ऑडिट, स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड कंट्रोल्स के ऑडिट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। और कई जगह पर आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, आपको सोच डिफरेंट करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग से सिस्टम, सिस्टम से ह्यूमन बीइंग निकल रहा है और चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, तो जहाँ से ह्यूमन बीइंग निकल गया तो वहाँ पर ह्यूमन बेस्ड कंट्रोल्स नहीं होंगे, वहाँ पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कम होगी, वहाँ पर लॉग्स ज़्यादा होंगे, सिस्टम लॉग्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पर आप आउटपुट को देख सकते हैं, इनपुट को देख सकते हैं, बीच में कई बार प्रोसेसिंग को नहीं देख सकते हैं। एल्गोरिथम के लिए देखने के लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी कि एल्गोरिथम सही आ रहा है कि नहीं, इससे है मतलब एल्गोरिथम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो अब हम ऑडिट प्लान करेंगे, ऑडिट की स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। जब हम ऑडिट की स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, मतलब कुछ फैक्टर्स हमारी स्टडी ने बनाए कि जैसे सबसे पहला है टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है वो कई तरीके से हो सकता है, मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो कह सकता है कि भाई ये चीज़ का कोई एक्ट है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सॉर्बन एक्सले 2002, और या रेगुलेशंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये सारी जो हैं ये आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ऑडिट करने के लिए या पर्टिकुलर सिस्टम का ऑडिट करने के लिए आपको कह सकते हैं। तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा, या एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। कई तो कहेंगे एंटरप्राइज वाइड ऑडिट करो, तो
तो उस केस में क्या है कि पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को हम देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे, कंप्लायंस इश्यूज को देखेंगे। कई बार क्या होता है, ऑडिट एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस्ड होता है। वो कहता है कि पर्टिकुलर स्टेट्यूट के अनुसार जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी का ऑडिट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑडिट है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ये हो सकता है कि हम बिजनेस कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल को, जो आईटी सिस्टम्स में इंटरनल कंट्रोल और बिजनेस कंट्रोल्स हैं उसको ऑडिट करें, या हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क हम बता रहे हों उसका ऑडिट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क के करस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल्स लगने थे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, रिस्क है, एक्सेप्टेबल रिस्क उसमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल रिस्क तक के कंट्रोल्स हैं कि नहीं है ये देखना पड़ सकता है। और कई कई में, जैसे मैंने बोला कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्कोप हो सकता है, पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट दिया गया आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिक्योरिटी को देखने का। और कई बार कई स्टेट्यूट्स हो सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, सॉर्बन ऑक्सली एक्ट 2002 है, और आरबीआई के डायरेक्टिव्स हो सकते हैं, और कई ऑडिट्स जो हैं या कुछ एश्योरेंस रिव्यू जो हैं वो पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बेस्ड हो सकते हैं, जैसे BS 7799 है, ISO है। तो बेसिकली सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, अगर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए BS 7799 का, कोबिट का, या किसी का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो सर्टिफिकेशन के अनुसार आप जो है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर एरियाज का ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वो ऑडिट स्ट्रेटजी ये स्कोप से इन्फ्लुएंस्ड होगी, स्टैट्यूट से इन्फ्लुएंस होगी, रेगुलेशन से इन्फ्लुएंस होगी, कभी कभी सेल्फ इवेल्यूएशन कर रहे हैं आप उससे इन्फ्लुएंस होगी, कभी क्या होगा सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगी। तो ऑडिट स्ट्रेटजी सिचुएशन के अनुसार चेंज होती चली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। पहला, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, कैसा नेचर है, कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस की। दूसरा, ऑटोमेशन का लेवल क्या है। तीसरा, बिजनेस की और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की रिस्क प्रोफाइल क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है, कम ज़्यादा रिस्की है। बैंक है, उसमें भी क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया जो, जैसे बैंक है, बैंक में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है हाई, उसकी रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मालूम पड़ा एक ड्रग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर वो रिसर्च नहीं कर रही, ड्रग रिसर्च नहीं कर रही है, तो उसकी रिस्क प्रोफाइल उतनी हाई नहीं होती है। वो पुराने ऑफ पेटेंट ड्रग्स, जो ड्रग्स पेटेंट के बाहर हो गए, 15 साल एक पेटेंट मिलता है, अगर आप एक ड्रग्स की आज रिसर्च करेंगे तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, और 15 साल तक आप ही को बनाने का राइट है, प्रोडक्ट पेटेंटिंग, उस प्रोडक्ट को बनाने का राइट आपके पास है, और उस प्रोसेस के थ्रू भी बनाने का राइट, आप प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंटिंग करा सकते हैं, 15 साल तक आप ही उसी को बना सकते हैं, उसके बाद वो पेटेंट एक्सपायर कर जाता है, उसको कोई भी बना सकता है फिर, तो उसे कहते हैं ऑफ पेटेंट। तो ऑफ पेटेंट ड्रग्स हैं वो बना रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी बना सकता है, उसमें कोई सीक्रेसी की बात नहीं है, लेकिन अगर खुद रिसर्च कर रहा है तो वहाँ पर रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसके अलावा है डिग्री ऑफ कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल्स, क्या डिग्री ऑफ कंट्रोल्स है, मतलब आप जाओगे और बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देख लोगे तो वहीं से पता चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखकर ही कि डिग्री ऑफ कंट्रोल्स का आपको आइडिया आ जाएगा। बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी देख लोगे, नेचर ऑफ बिजनेस देख लोगे, सपोज ऐसा है ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें अलग टाइप का होगा, मान लिया सपोज लालाजी का ट्रेडिंग बिजनेस है, होलसेलर रिटेलर, तो फिर वो बात अलग होगी। अगर मान लिया सपोज उसमें ही अगर फ्लिपकार्ट आ गया तो फिर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस हो जाएगा, ई कॉमर्स में आ जाएगा वो। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी जो है वो अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, और उसी के अनुसार आपको अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद होता है ऑडिट इन्वायरमेंट, वो भी आपकी जो ऑडिट स्ट्रेटजी है उसे इन्फ्लुएंस करता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ऑडिट इन्वायरमेंट जो है वो ऑडिट स्ट्रेटजी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं
तो ऑडिट स्ट्रेटेजी वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट होगी, एक सीमेंट कंपनी के, एक कंपनी सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है उसके मुकाबले में, या कोई दूसरी चीज़ ट्रेड कर रही है। अगर सिक्योरिटी में ट्रेडिंग हो रही है तो आज की डेट में जो है कंप्यूटराइज सिक्योरिटी में ट्रेडिंग होती है, अगर आप ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, तो हर लेवल पर आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अलग होंगे। स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटी कंसर्न अलग होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में नो डाउट अच्छे सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे रहते हैं, वहाँ पर रिस्क असेसमेंट होता है, और क्योंकि वो टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम है, पर्टिकुलरली इंडिया का तो टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम है। उसके अलावा है कॉम्पिटेंस और स्किल रिक्वायरमेंट, वेरियस फैक्टर्स होते हैं उसमें। क्या है कि ऑडिटर, ऑडिट स्ट्रेटजी जो है स्किल्स पर भी डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी है, और स्पेशल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर एडेड ऑडिटेड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आप आईटी ऑडिट जो जो करेंगे उसका स्ट्रेटेजी अलग होगी, ऑडिट स्ट्रेटेजी अलग होगी। जब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर कैट के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो उनके अनुसार जो हमारी स्ट्रेटेजी होंगी वो अलग होगी। स्पेशल स्किल्स डेफिनेटली चाहिए होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में, क्योंकि वो टेक्निकल एरिया है, जो डेटा वैल्यू इतना वैल्यूएबल कैसे बन गया, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्यों, क्योंकि डेटा बहुत वैल्यूएबल बन गया। वो वैल्यूएबल क्यों बन गया, क्योंकि नीचे के सिस्टम्स ऑटोमेट होते चले गए और वहाँ सेंसर्स चले लगते चले गए और आपके पास डेटा आता गया। तो बेसिकली आप पर्टिकुलर आईटी स्किल्स की पर्टिकुलर आपको एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारी स्टडी फेजेस के बारे में बात करती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के फेजेस के बारे में, यानी पहले तो स्ट्रेटजी के बारे में उसने बात की। स्ट्रेटजी के बारे में उसने बताया कि ऑडिट एनवायरनमेंट के अनुसार स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कॉम्पिटेंस और स्किल रिक्वायरमेंट के अनुसार स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। उसके बाद उसने बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लॉ इन्फ्लुएंस करती है, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें ऑडिट स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद उसने कहा कि हमारी स्टडी बोलती है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के कुछ फेजेज़ होते हैं, वेरियस सेट आउट एक्टिविटीज़ होती है, और उसको फेजेज में हम फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं, और हर फेज़ जो होगा पहले एक फेज़ आएगी, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट फेज़ आएगी, यानी कि ये भी एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी अगर हम देखा जाए तो, हर फेज़ में डिटेल्ड एक्टिविटीज़ हो जाएंगी और उसके बाद हर फेज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो सबसे पहला फेज़ जो है वो प्रिलिमिनरी रिव्यू है ऑडिट एनवायरनमेंट का, या ऑडिट एनवायरनमेंट का आप स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले आप एक प्रिलिमिनरी रिव्यू लेते हो, एक रिव्यू करते हो सीनियर मैनेजमेंट या लोगों के साथ बैठकर, उस लोगों के साथ बैठकर एक प्रिलिमिनरी रिव्यू लेते हैं, एक डेढ़ दिन के अंदर वो रिव्यू आप ले लोगे। उसके बाद ऐसा है ऑब्जेक्टिव और स्कोप बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और स्कोप फ्रीज होते हैं और दोनों ऑडिटर और ऑडिटी बैठते हैं और एग्रीमेंट होता है उनका ऑब्जेक्टिव और स्कोप में कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा क्या स्कोप होगा। फिर उसके बाद जो ऑडिटर है वो प्लान करेगा ऑडिट असाइनमेंट को, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, फिर रिपोर्टिंग करेगा और फिर फॉलो अप करेगा। ये चीज़, ये एक सेट प्रोसीजर्स है। तो इसी तरीके से हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी माइनर वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सपोज आप पहली बार फर्स्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अगर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आप पहली बार जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको टाइम लगेगा, प्रीलिमिनरी रिव्यू में टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप क्रिस्टलाइज करने में टाइम लगेगा। लेकिन बाद में आप रूटीन ऑडिट्स हो जाएंगे तो उसमें प्रीलिमिनरी रिव्यू आपके पास ऑलरेडी है, आपको पता है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज़ है, क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, किस तरह का है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इस एरिया में, सारी चीज़ें आप अपग्रेडेड रहेंगी। तो प्रीलिमिनरी रिव्यू जो है उसमें कट शॉर्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव और स्कोप भी क्रिस्टलाइज कर चुके हैं हम पहले, तो वही ऑब्जेक्टिव और स्कोप चल सकते हैं। फिर आप प्लानिंग जो है उसमें भी आपको बताया कि किस तरह से प्लान करना है पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस से, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, फॉलो अप करनी है, तो
डिपेंड करता है, पहला ऑडिट है कि रिकरिंग ऑडिट है या कितनी बार ऑडिट कर चुके हो वो हो उस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई है ये भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो है जो फेजेस हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में, सबसे पहले प्रीलिमिनरी फेज रिव्यू होगा। आप जाओगे प्रीलिमिनरी रिव्यू करोगे ऑडिट एनवायरनमेंट का, फिर ऑब्जेक्टिव और स्कोप में एग्रीमेंट होगा, फिर प्लान करोगे ऑडिट असाइनमेंट्स का, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे। प्लान करने के बाद आप जाकर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, रिपोर्ट करोगे, फॉलोअप करोगे। अगले सेशन में हम प्लानिंग पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को कैसे प्लान करते हैं। थैंक्स।